50 तरह की बीमारियों से लड़ने की ताकत, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर। ये आंवले का घर पे बना हुआ च्यवनप्राश की रेसिपी है, जिसको देख के आप अपने आप को बनाने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना यूनिक और आसान तरीका है इसको बनाने का, और खाने में उतना ही पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने ये आंवला को स्टीम करने के लिए रख दिया है एक जाली में। आंवला स्टीम हो रहा तब तक इधर मैं खजूर 15-20 खजूर ली हूँ, इसको भिगो के पानी में रख दी हूँ साइड में। अब ये आंवला स्टीम हो चुका है, इसको चाकू से चेक कर लेंगे। ये हो चुका है स्टीम, इसको निकाल के साइड में रख लेंगे और इसका एक एक करके बीज आंवले का निकाल लेंगे। सारा बीज निकल चुका है। ये कुछ तुलसी का पत्ता है और आंवला, दोनों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये कुछ सूखे मसाले हैं, 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 10 ये छोटी इलायची है, ये जावित्री और पिपली, दालचीनी और 10-12 लौंग, 2 तेज पत्ता और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां सूखी हुई। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसको छन्नी से छान लेंगे। अब ये खजूर का बीज निकाल के इसको भी ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। यह है अदरक, मैं इसमें फ्रेश अदरक का यूज कर रही हूँ, आप सौंठ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका छिलका उतार के इसको भी कट करके और ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब गैस जला के कढ़ाही में मैं 2 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ, और इधर साइड में 1 कढ़ाही में ये गुड़ का पाउडर है, जिसका मैं चाशनी बनाने के लिए साइड में रख दी हूँ। इससे टाइम का थोड़ा बचत होता है। घी गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि कच्चापन इसका चला जाए। फ्रेश अदरक है इसलिए सबसे पहले अदरक को भूनेंगे। अदरक भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग आंवले का पेस्ट। इसको भी भूनेंगे अच्छे से, लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको भूनेंगे घी में। अब इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी भूनेंगे। इसको भी 4-5 मिनट हो गया है भूनते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे खजूर का जो पेस्ट था, इसको ऐड कर लेंगे इसमें। और फिर इसको मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए फिर और भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये सूखे मसालों का जो पाउडर है, इसको ऐड करेंगे और फिर मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। ये साइड में तब तक गुड़ का चाशनी भी रेडी हो गया है। अब इसमें गुड़ की चाशनी में ये जो आंवले का मिश्रण है, इसको ऐड करेंगे और चलाते हुए पकाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए। ये पक चुका है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें सबसे लास्ट में हनी ऐड करेंगे, हनी लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर
इसमें ऐड करेंगे। अब ये च्यवनप्राश बन के तैयार है। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का कुछ होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, होममेड च्यवनप्राश। इसको बनाना काफ़ी आसान है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखिए तैयार है च्यवनप्राश, बनाना कितना आसान है और खाने में उतना पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों है। इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।